नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर मनीषा और एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल एम के होम्यो केयर पे। और आज हम बात करेंगे कि कैसे होम्योपैथी के जरिए जो आप अपनी हाइट बढ़ा सकते हैं उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर आपकी हाइट कम है या अगर आपके बच्चों की हाइट कम है या आपको लग रहा है कि उनकी हाइट कम रह जाएगी, आप लोगों के मतलब पेरेंट्स की अगर हाइट कम है उसके वजह से, तो आप ये मेडिसिन जो है ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। 100% सेफ, 100% नेचुरल और 100% जो है रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेंगे। तो ये जो मेडिसिन मैं आपको बताने वाली हूँ वो सारे ही आपके मतलब होम्योपैथिक डॉक्टर्स ने ज़रूर यूज़ किया होगा, ज़रूर रिकमेंड किया होगा अपने पेशेंट को और ज़रूर ही बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिले होंगे। तो मेडिसिन के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। और हाँ, ये मेडिसिन जो है अगर आप लड़कियों को दे रहे हैं तो 16, 17 या मैक्सिमम 18 साल तक जो है ये मेडिसिन ले लेनी है, क्योंकि उसके बाद क्या होता है उनकी जो है ग्रोथ, उनकी हाइट जो है नहीं बढ़ती है। 18 साल तक मैक्सिमम जो है लड़कियों की हाइट बढ़ती है, उसके बाद हाइट नहीं बढ़ती है। और अगर लड़कों को दे रहे हैं तो 20, 21 या मैक्सिमम 22 साल तक ले ले, उसके बाद जो है हाइट बढ़ना उनकी भी बंद हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, ये डिफरेंस क्यों है लड़कों और लड़कियों में, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी। तो ये मेडिसिन उस हिसाब से ले ले। इनफैक्ट मैं तो ये बोलूंगी कि ये मेडिसिन 15 से 16 साल के जब बच्चे हो जाते हैं और लगता है कि उनकी हाइट नहीं खिंच रही है, ज़्यादा नहीं बढ़ रही है, तभी आप यूज़ करना शुरू कर दे, तो वो बहुत अच्छा एज होता है। और मैं बोलूँगी कि ये मेडिसिन लगातार 1 साल तक यूज़ करें। तो लगातार 1 साल तक जब आप मेडिसिन बच्चों को देंगे तो ज़रूर जो है आपको जो है अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस मेडिसिन के बारे में। लेकिन उससे भी पहले हम जानेंगे कि क्या क्या वो चीज़ें हैं, क्या क्या वो फैक्टर्स हैं जो एक इंसान की जो है हाइट को डिसाइड करते हैं, उसकी जो है ग्रोथ डिसाइड करते हैं। तो क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो देख लेते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो, अगर आप पहली बार देख रहे हैं मेरा वीडियो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आता हो, वीडियो में कुछ भी हेल्पफुल लगता हो, कोई भी नॉलेज मिल जाती हो आपको, मतलब चाहे आप मेडिसिन मेडिसिन ना ही यूज़ करते हो, मेडिसिन के लिए वीडियो नहीं देखते, लेकिन जो मेडिकल नॉलेज ही मिल जाती हो आपको, वो आपको अच्छी लगती हो, तो वीडियो ज़रूर लाइक कर दे और शेयर कर दे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में, और चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है वो है हॉर्मोन्स। तो हॉर्मोन्स में भी सबसे पहला है ग्रोथ हॉर्मोन। तो जो हमारा ब्रेन होता है उसमें होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिससे जिसमें जो है ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होता है जिससे। तो ये ग्रोथ हार्मोन जो है आपकी बॉडी की ग्रोथ को डिसाइड करता है, ओवरऑल ग्रोथ को डिसाइड करता है। जो आपके सेल्स डिफरेंशिएट होते हैं, म्यूटेट होते हैं, उनकी जो ग्रोथ होती है उसको भी डिसाइड करता है, आपकी हाइट को भी डिसाइड करता है, मेंटल ग्रोथ को भी डिसाइड करता है। तो ये जो ग्रोथ हार्मोन है यही जो है आपकी हाइट डिसाइड करता है। तो अगर ये नॉर्मली सिक्रीट होते रहा, नॉर्मल इसकी वैल्यू रही, तो जो है आपकी ग्रोथ जो है आपकी हाइट जो है अच्छी होगी। लेकिन अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, इसका सिक्रीशन कम हो गया, तो ग्रोथ जो है आपकी कम हो सकती है। नेक्स्ट आ जाते हैं थायराइड पे। तो अगर किसी को भी थायराइड हो गया है या बच्चों को स्पेशली थायराइड हो गया और हाइपोथायराइड हो गया है, तो उसकी वजह से भी जो है हाइट कम रह जाती है। नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्स हॉर्मोन्स जो होते हैं। तो मेल में जो है टेस्टोस्ट्रॉन होता है और फीमेल्स में जो है ईस्ट्रोजन होते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया ग्रोथ हार्मोन डिसाइड करती है हाइट, लेकिन जब अगर फीमेल्स की बात कर ले, लड़कियों की बात कर ले, बच्चों की बात कर ले, तो 13-14 ईयर्स में जो है अब वो उनकी प्यूबर्टी हिट हो जाती है और उनको जो है मेंसेस बोल लीजिए या मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेनार्के स्टार्ट हो जाते हैं। तो उस टाइम पे जो है बॉडी में उनके ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है बढ़ने लग जाता है और वो डोमिनेट करने लग जाता है, और जो ग्रोथ हार्मोन होता है पहले से ही वो धीरे धीरे करके कम होने लगता है। तो हाइट भी धीरे धीरे करके बढ़ना कम होने लगती है। तो 13-14 की एज से ही जो है ईस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ने लग जाता है और धीरे धीरे करके जो है ग्रोथ हार्मोन जो है कम हो जाता है। यही रीजन है जो 17-18 साल तक ही जो है लड़कियों की हाइट बढ़ती है, क्योंकि उसके बाद फिर ग्रोथ हार्मोन एकदम कम हो जाता है। लेकिन अगर मेल्स की बात करें तो उनकी प्यूबर्टी लेट हिट होती है, उनके में जो हार्मोन सेक्स हार्मोन है वो है टेस्टोस्टेरोन। तो वो जो है लेट मतलब एज कम्पेयर टू लड़कियाँ, लेट उनमें जो है ये हार्मोन रेज होता है, लेट प्यूबर्टी हिट करती है। तो इसीलिए जो है उनकी एज जो है 20 से 21 या 22 तक भी बढ़ती है।
तो ये कारण था जो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी। और ये सारे जो है फैक्टर्स थे, जो हार्मोनल फैक्टर थे जो आपकी ग्रोथ डिसाइड करते हैं। इसके अलावा सेकेंड बताऊं तो हेरिडिटरी है। तो हेरिडिटरी यानी कि अगर आपके पेरेंट्स की हाइट कम है या दादा दादी की हाइट कम रही है, तो चांसेस हैं कि आपकी हाइट भी कम रहेगी। मोस्टली यही चांसेस है कि आपकी हाइट भी कम रहेगी, और अगर उनकी हाइट ज़्यादा है तो आपकी हाइट भी ज़्यादा हो सकती है। तो ये बहुत ज़्यादा हेरिडिटरी होता है, बहुत ज़्यादा जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है कि आपकी हाइट कैसी रहेगी। और थर्ड फैक्टर की अगर हम बात करें तो क्रॉनिक इलनेस। तो अगर जो बच्चा है बचपन से ही बहुत ज़्यादा बीमार पड़ता आ रहा हो, पूरे टाइम कुछ ना कुछ इलनेस से जूझता आ रहा हो, तो उस जो है बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ ही कम होगी, या फिजिकल मेंटल सारी ग्रोथ ही जो है किसी तरीके से रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उस केसेस में भी जो है हो सकता है कि हाइट जो है कम रह जाए। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स थे जो अफेक्ट करते थे। तो मेडिसिन का नाम है राइट हाइट मेडिसिन। SBL कंपनी की ये मेडिसिन आती है और आपको किसी भी होम्योपैथिक शॉप में बड़ी ही आसानी से मिल जाएगी। तो ये मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं। 140 रुपये की आपको ये बॉटल मिलेगी। और जैसा कि मैंने बताया कि इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं और बिल्कुल ही सेफ मेडिसिन है ये, तो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके डोजेस की बात करें अगर, तो अगर 13 साल से कम उम्र के अगर बच्चे को दे रहे हैं तो दिन में एक बार एक टैबलेट देनी है। और अगर 13 साल से बड़े लोग इसे ले रहे हैं ज़्यादा, तो इसकी जो है 2 टैबलेट दिन में एक बार लेनी है। तो ये इसका डोजेज है, इसकी बोतल पे भी यही सेम लिखा हुआ है। अब आ जाते हैं इसके कंटेंट्स में, आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो इसमें बराइटा काप डाला हुआ है जो कि बॉडी के फिजिकल और मेंटल ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा वर्क करती है। इसके अलावा इसमें कैल्केडिया फॉस है। तो कैल्केडिया फॉस जैसे कि एक कैल्शियम सप्लीमेंट है, तो अगर बॉडी की ग्रोथ बढ़ानी है, अगर आपके बोन्स बढ़ेंगे तो उसमें कैल्शियम सप्लीमेंट चाहिए ही। तो कैल्केडिया फॉस बहुत अच्छा जो है एक कैल्शियम सप्लीमेंट प्रोवाइड करती है आपकी बॉडी को। इसके अलावा इसमें सिलीशिया है, नेट्रोम्यूर है, जो कि अगेन बॉडी के ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो ये इसके कंटेंट है। और अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हैं तो जिस तरीके से मैंने बताया कि आप इसका डोजेस बताया वैसे आप यूज़ करें, और जिस एज जो भी एज लिमिट मैंने आपको समझाई है उसको ध्यान में रखते हुए आप यूज़ करें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी। 1 साल तक आप इसे लगातार यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी जेनरिक मेडिसिन जो सारे ही केसेस में यूज़ की जाती है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। लेकिन इसके अलावा भी होम्योपैथी में कई और स्पेसिफिक मेडिसिन हैं जो कि हाइट ग्रोथ के लिए दी जाती है, और वो जो है स्पेसिफिक केसेस में दी जाती है। तो अगर आप उनके बारे में भी जानना चाहते हैं, या आप वो भी देना चाहते हैं अपने बच्चे को, या आप खुद के लिए लेना चाहते हैं, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं और उनके बारे में जान सकते हैं, और वो भी प्रॉपर एक डोजेज आप ले सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप सबको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, वीडियो में कुछ भी पसंद आया होगा। अच्छा, इसके साथ भी एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगी कि ये तो हो गया एक तरीके का सप्लीमेंट आपके बच्चे के लिए उनकी हाइट बढ़ाने के लिए। लेकिन इस सब के साथ एक और चीज़ जो ज़रूरी है वो है आपके आपके या फिर आपके बच्चों की डाइट, उनका न्यूट्रिशन। तो अगर आप हेल्दी खाना नहीं खा रहे हैं, अपने खाने में जो है आयोडीन इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, फ्रूट्स नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, विटामिन नहीं ले रहे हैं प्रॉपरली, मिनरल्स नहीं ले रहे हैं, तो जो है ये एक मेजर फैक्टर है कि जो है हाइट या प्रॉपर जो है बॉडी की ग्रोथ ही नहीं होगी। तो ये सब जो है इंक्लूड करना बच्चों की डाइट में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस पे भी ध्यान दें, उनकी न्यूट्रिशन पे ध्यान दें, हेल्दी खाना खिलाएं, घर का खाना खिलाएं। बाहर का भी बच्चे खाते हैं लेकिन घर का भी खाना खिलाएं, उनकी जो है डाइट का इक्वली आप ध्यान रखें, और साथ ही साथ आप ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आप सबको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, और वीडियो में कुछ भी पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में। अगर आप किसी भी चीज़ के लिए मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स दी गई है, आप उसके थ्रू मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।